Good afternoon, students. So today we have already done this chapter, but we have completed it before term one. So let's start with its revision part. First chapter of macroeconomics, some basic concepts of macroeconomics. ठीक है, सबसे पहले all of you are aware what is macroeconomics. Macroeconomics is the study of aggregates of the economy. ठीक है, सो लाइक नेशनल इनकम, जो जो अब आपने पढ़ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ऑल दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी. ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स. सो गुड्स आर क्लासिफाइड into two categories. हम national income view point से इसको classify करते हैं, final goods, intermediate goods. final goods कौन से goods होते हैं? बस consumer जो consume करता है वो goods. so दो characteristics जो fulfill करते हैं. one, final goods are those goods which have crossed boundary line of production and which are ready to be used by their final users. final user can be consumer, it can be producer. ready to be used by their final user, these are not to be resold or remanufactured. ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी बेटे. तो आपको शायद मैंने इसके नोट्स भी दिए हुए हैं. फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, विच आर रेडी टू बी यूज बाय देयर फाइनल यूजर. नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू दीज. ठीक है, these are not to be resold or remanufactured. these are of further two types, final consumer goods, final producer goods. so final consumer goods, those goods which are used by the consumers for the direct satisfaction of their wants. sun lo bete, sirf suno, which are used by the consumers for direct satisfaction of their wants. these are further classified into durable, semi durable, non durable or perishable and services. then producer goods, final producer goods which are used by the producers for further production of goods and services. ye consumer use karta hai, ये किस लिए यूज करता है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स के, और ये फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, आपके घर में फर्नीचर है, आप फर्नीचर यूज करते हो. क्यों करते हो? आप उस पर बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, आराम करते हो, यानी फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ योर वॉन्ट्स. आपके स्कूल में फर्नीचर है, किसने खरीदा? स्कूल के ओनर ने खरीदा. ठीक है, किस लिए खरीदा? यहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ सकें. हमारा पर्पस स्कूल का क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना. बिना फर्नीचर के हम सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे? नो. सो हेयर फर्नीचर इज द प्रोड्यूसर गुड्स बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. ठीक है, जो खर्चा एक इकोनॉमी में जो खर्चा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर किया जाता है उसको कहा जाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जो खर्चा इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स करते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर उसको कहा जाता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इज द सम टोटल ऑफ
consumption expenditure and investment expenditure. Is it clear? Then, what is an intermediate good? Which are within the boundary line of the production. Which are not yet ready to be used by their final users. Value is yet to be added to them, which can be resold or remanufactured. जिसको हमने हमने जो अभी तक बार बार बिक रहा है चाहे वो अपनी उस फॉर्म में आ गया है, इट इज रेडी टू बी यूज्ड. ठीक है, जैसे पेन बन गया है, अब पेन होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने दूसरे रिटेलर को बेच दिया, वो पेन की फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन किस तरह से हो रही है? रीसेल से. आप जैसे जैसे आप फर्दर रीसेल करते जा रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन एड होता जा रहा है. तो जब तक ये आप तक नहीं पहुंचा तब तक ये क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, सो दोज गुड्स विच रिमेन विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, विच आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स, विच कैन बी फर्दर रीसोल्ड और रीमैन्युफैक्चर्ड. इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. While estimating national income, we consider only final expenditure. Intermediate expenditure का खर्चा हम नहीं लेते. ठीक है, okay. The next classification, यहाँ पे हमने कहा final goods दो तरह के होते हैं, consumer and producer. तो उसी classification को हम further करते हैं. Final goods can be classified into consumer goods and capital goods. ठीक है, because all producer goods are not कैपिटल गुड्स, सो कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स. सो कंज्यूमर गुड्स पता चल गए, कंज्यूमर कंज्यूम करता है फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स. चार कैटेगरीज पता चल गई, कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स, हाई वैल्यूड गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में फर्क क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो, है ना. प्रोड्यूसर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी खरीदता है जो कि सिंगल यूज में एग्जॉस्ट हो जाते हैं. वो सारे के सारे गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते. कैपिटल गुड देखने के लिए पहली बात वो प्रोड्यूसर खरीद रहा है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, हाईली वैल्यूड गुड्स हैं, ड्यूरेबल है, फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये कैपिटल गुड. आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए समझना इजी है बेटे, है ना. विच आर फिक्स्ड एसेट्स, टेंड टू बी डेप्रिशिएटेड, हाईली वैल्यूड, कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन. क्लियर है? कैपिटल गुड की डेफिनेशन, यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हाईली वैल्यूड, फिक्स्ड एसेट्स, टेंड टू बी डेप्रिशिएटेड. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है क्या फाइनल और इंटरमीडिएट गुड को हम अलग अलग मानते हैं? अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं फाइनल बताओ और इंटरमीडिएट बताओ, सेम एग्जाम्पल बन सकती है? सेम गुड कैन बी फाइनल or an intermediate good, depends upon the end use, depends upon the end use. If the end use is resale purpose or raw material, agar jo end use hai kiske upar depend karta hai ki good final hai ya intermediate, end use. Agar iska end use रीसेल है, रीसेल हो रहा है, देन इट इज इंटरमीडिएट. अगर इसका एंड यूज रॉ मटेरियल की तरह है, यानी इसके ऊपर वैल्यू एड होनी है, फर्दर प्रोसेसिंग होनी है, इवन देन इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. बट इफ एंड यूज इज
for direct satisfaction of wants, then it is a final consumer good. And if the end use is further production, then it is a final producer good. Is it clear? Hai final category kaun si? Produce. Then same goods can be consumer good or it can be a capital good. कौन सा गुड कंज्यूमर है और कौन सा कैपिटल है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंड यूजर डिपेंड्स अपॉन द एंड यूजर. अगर एंड यूजर हाउसहोल्ड है देन इट इज अ फाइनल कंज्यूमर गुड. इफ द एंड यूजर इज द प्रोड्यूसर देन इट इज ए कैपिटल गुड. एंड यूजर कौन है? आपने कार खरीदी ठीक है, या कोई भी व्हीकल खरीदा, बस खरीदी, कोई भी व्हीकल खरीदा आपने, आप हाउस होल्ड हो. कार आपने क्यों खरीदी? वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, आपको स्कूल में आना जाना. स्कूल वालों ने कार खरीदी कि भी कभी कोई मैनेजमेंट का पर्सन आता है तो हमारे पास उसको लेके आने के लिए कार नहीं होती, ठीक है, यहाँ कोई और बाहर से आ रहा है, हमें गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए. यहाँ बस खरीदी, किस लिए खरीदी? ठीक है, सेम चीज खरीदी, अलग अलग लोगों ने खरीदी, कंज्यूमर ने खरीदी तो वो कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर ने खरीदी तो टैक्सी ऑपरेटर ने खरीदी कैपिटल. आपने घर में वॉशिंग मशीन खरीदी, कंज्यूमर गुड. लॉन्ड्री, आपका लॉन्ड्री का बिजनेस है, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी कैपिटल. माइक्रोवेव घर के लिए खरीदा, रेस्टोरेंट ओनर ने खरीदा, स्विंग मशीन घर में खरीदी, और अगर टेलर ने खरीदी कैपिटल. मतलब ये नहीं कि मशीनरी समझ के ये सोच लेना है कि मशीनरी है अच्छा ये तो कैपिटल गुड है, मशीन तो प्रोड्यूसर ही खरीदता है, नहीं, ठीक है, एंड यूजर देखना है आपने. ओके, ऑल राइट. तो बेटे नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटे, ठीक है. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन. सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. जब हम कहते हैं ना इकोनॉमी डाउन जा रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मतलब इसमें कैपिटल गुड्स ऐड करो, यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, जिससे कि आउटपुट बढ़े. कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन, है ना. तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन और इनकम सिनोनिम्स है ना, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एक ही बात है, isn't it? So, like इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका मतलब है एडिंग एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है. इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अनदर इज नेट इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? Gross investment is the total investment made in the capital assets, total addition made to the capital stocks. It is inclusive of net investment and depreciation. Depreciation को यहां पर हम कहते हैं replacement investment. Replacement investment. So what is net investment? It is the net addition made to the capital stocks. ठीक है, and replacement investment, depreciation क्या है? Use of, what is depreciation? How do we define it? But it is consumption of fixed capital basically. जब हम production करते हैं तो हमारे capital assets में wear and tear होती है, उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ टाइम के बाद वो खत्म हो जाते हैं,
तो हम मतलब हर साल वो कुछ डेप्रिशिएट, जितनी उनकी वैल्यू, अगर 10 साल लाइफ है एक एसेट की तो 10% हर साल वो डेप्रिशिएट हो रहा है, 10 साल बाद हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो उसको रिप्लेस करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जब हम रिप्लेस करते हैं तो उससे टोटल स्टॉक नहीं बढ़ता, टोटल स्टॉक तो उतना ही रहा ना। सपोज करो हमारे पास 10 बसेस का फ्लीट है, हमारे स्कूल में 10 बसेस का फ्लीट है, वी आर रनिंग 10 बसेस। अब स्ट्रेंथ बढ़ गई, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5 बसेस और ले ली। अब आप 5 बसेस हमने ली, टोटल सपोज करो हमने 5 बसेस खरीद ली, हमने मैनेजमेंट से बिल साइन किया, करवाया 5 बसेस का, ठीक है। अब मैनेजमेंट के बंदे देखने आए, वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब पहले 10 थी, 5 नहीं लिए, 15 होनी चाहिए, सो दे काउंटेड, इट केम आउट टू बी 13। हमने क्या कहा, हमने कितने की इन्वेस्टमेंट की है, 5 की, ठीक है, लेकिन पहले 10 थी, अब कितनी आ रही है, 13, मतलब नेट इंक्रीज कितना दिख रहा है, 3 का। तो वुडंट दे आस्क, आप तो 5 पे साइन करा रहे हो और अभी तो 13 का फ्लीट है, मतलब सिर्फ 3 नेट एडिशन हुई है, बाकी 2 कहाँ है, बाकी जो 2 हमने की वो क्या थी, रिप्लेस की, 2 पुरानी बसेस डिस्कार्ड करने वाली थी उनको हमने बेच दिया और उसकी जगह हमने 2 नई बसेस ले ली। तो ओवरऑल कितनी दिखेंगी, 13 दिखेंगी। अब 13 इसका मतलब नेट इंक्रीज कितना आया, 3 का। जो नेट इंक्रीज आया वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपने खरीदी कितनी, वो क्या है, ग्रॉस, टोटल एडिशन मेड टू दी कैपिटल स्टॉक। नेट इन्वेस्टमेंट से हमें हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी किससे इंप्रूव होगी, नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इसी तरह इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट नेट इन्वेस्टमेंट, द फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो ग्रॉस इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से न्यूमेरिकल में आपको पूछ सकते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको CFC भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज अ स्टॉक, इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से सम आर स्टॉक वेरिएबल्स, सम आर फ्लो। स्टॉक इज अ क्वांटिटी ऑफ ए फिनोमेना मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास राइट नाउ, दिस इज अ स्टॉक, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, दैट इज अ स्टॉक। व्हाट इज अ फ्लो, क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा इस टाइम पे अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़ा है, वो मेरा स्टॉक है। उसमें मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीना जाती है, वो मेरा वो फ्लो है। मैं उसमें से 50,000 विदड्रॉ करवा लेती हूँ, वो भी फ्लो है, ठीक है। सो वी कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो यूजिंग द टैंक एट अवर होम। हर घर में वाटर टैंक लगा होता है, उसमें अगर आप जाके अब शाम को देखोगे, मम्मा ने कहा देखो पानी नहीं आना है, लाइट नहीं आनी है, तो मोटर चलानी पड़ेगी, देखना टैंकी भरी हुई है कि नहीं। सो आपने कहा, आपने देखा यहाँ पे ये 400 लीटर तक पानी भरा हुआ, तो आपने क्या बोलोगे, देयर इज अ 400 लीटर वाटर इन द टैंक, दिस इज अ, देयर इज अ स्टॉक ऑफ, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर किया। फिर जब आप यहां से जो पानी निकल रहा है, यहाँ आपके मदर ने फिर मोटर चला दी, यहाँ पे आके पानी भरना शुरू हो गया, ये क्या कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, फ्लो, और ये भी क्या हुआ, फ्लो, ठीक है। नाउ ये जो स्टॉक है ये मोटर के चलाने से चेंज होगा, यानी ये क्या है, फ्लो, ये है स्टॉक, विच मीन्स फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक। अब
जब ये पूरी भरी होगी तो फ्लो अच्छा होगा, कम भरी होगी तो फ्लो, इसका मतलब स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो। मैं मेरे अकाउंट में कितनी सैलरी जाती है उसी से मेरा अकाउंट भरेगा, इजंट इट? यानी फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक। मैं कितना विदड्रॉ कर पाती हूँ, मेरा जितना अकाउंट है उतना ही कर पाऊंगी ना, इसका मतलब स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो, बोथ आर इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, तो स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती, फ्लो की टाइम डायमेंशन होती है। ठीक है, ओके बेटे, अब ये रिवीजन है तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं आपको करवा सकती हूँ कि मैं हर एक कंसेप्ट के आपको डिफरेंस नहीं करवा सकती। हाँ, अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ पूछना है तो मोर देन वेलकम, अगर कोई डाउट आता है बीच में तो यू कैन आस्क। ओके देन, फिर बेटे हमने नेशनल इनकम आगे करनी है, उसके लिए हम इकोनॉमी को ना चार सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से चार सेक्टर्स? हाउसहोल्ड सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ फैमिलीज, कंज्यूमर्स, ठीक है, वो दो काम करते हैं क्या, दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर, दूसरा दे एक्ट एज कंज्यूमर्स। दूसरा है फर्म सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, दे ऑल्सो एक्ट एज कंज्यूमर्स एंड दे टेक द सर्विसेज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड देम विद द रिवॉर्ड फैक्टर इनकम। देन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर भी दो तरह का होता है, एक जनरल गवर्नमेंट और एक गवर्नमेंट सेक्टर। जनरल गवर्नमेंट में पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये सब आ जाता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कोई लेना देना नहीं। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करता है, प्रोड्यूसिंग यूनिट की तरह काम करता है। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द कंट्रीज अदर देन इंडिया, जिनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। हमारी इकोनॉमी में एक सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। सर्कुलर फ्लो मतलब अनएंडिंग फ्लो। सर्कल क्या होता है? जिसका कोई अंत नहीं होता, है ना, कोई स्टार्टिंग क्या है एंडिंग क्या है नहीं पता चलती। सो सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो। किसका? किसका? प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो क्या होता है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके अपनी सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उन सर्विसेज को लेके हम प्रोडक्शन करते हैं, है ना। अब प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होता तो हम आउटपुट नहीं ना जनरेट कर पाते बेटे, है ना। तो आउटपुट नहीं जनरेट कर पाते मतलब इन्होंने हमें सर्विस दी तो हम आउटपुट जनरेट कर पाए, तो इनको अपनी सर्विसेज के बदले रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उस आउटपुट से जो हम इनको रिवॉर्ड देते हैं दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ इनकम। जो आउटपुट इन्होंने प्रोड्यूस करने में हेल्प की, सपोज 100 करोड़ का आउटपुट, वो 100 करोड़ हमने चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ इनकम जनरेशन। इस इनकम का क्या करोगे? आपके पास इनकम आ गई, व्हाट विल यू डू? यू विल स्पेंड इट, यू विल डिस्पोज इट ऑफ नाउ, विच मीन्स द इनकम जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, which is made with their help. So again, what will happen? ये इनके पास आ गया पैसा, उससे फिर से production करेंगे, फिर income generate होगी, फिर खर्चा। ये एक unending flow चलेगा, which is involving different sectors. This is known as circular flow. ठीक है? Circular flow के तीन phases कौन से हैं? Production,
income generation, disposition or expenditure. ठीक है, हमारे सिलेबस में सर्कुलर फ्लो मॉडल टू सेक्टर इकोनॉमी का ही है, सिंपलेस्ट. ठीक है, उसको हम दो कैटेगरीज में, दो केसेस उसके स्टडी करेंगे, वन विदाउट सेविंग्स, अनदर विद सेविंग. सो लेट अस से जो सिंपलेस्ट केस होता है ना सर्कुलर फ्लो का, उसमें हम कहते हैं इकोनॉमी में सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी है हमारी. अवर इकोनॉमी इज ए टू सेक्टर इकोनॉमी. कौन से दो सेक्टर्स? हाउसहोल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म सेक्टर. तो इनमें कौन कौन से फ्लो हो रहे हैं आपस में, कैसे सर्कुलर फ्लो चल रहा है? हाउसहोल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज. उसके बदले फर्म सेक्टर इनको क्या दे देता है? फैक्टर पेमेंट्स. सपोजिंग रुपीज 100 करोड़ की दी. पहले यहां तक समझो, चलो आगे करते हैं फिर समझते हैं. अब जब आपके पास फैक्टर पेमेंट्स दे दी फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड को, ये इसकी इनकम बन गई. इस इनकम का ये क्या करेंगे? सो दिस अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अगेन रुपीज 100 ओनली ये पैसे लेके फर्म्स के पास आ गए पैसे. फर्म सेक्टर क्या देगा इसके बदले? आप टक शॉप के पास गए, आपने 10 रुपए का नोट दिया, तो उसके बदले क्या देगा आपको? पेन देगा. तो इसी तरह फर्म सेक्टर को आपने 100 करोड़ रुपए दिए, वो क्या देगा? गुड्स एंड सर्विस. यस, दो चीजें नोटिस करो इसमें. जब भी एक फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो हुआ और रिवर्स डायरेक्शन में हुआ. यहां से देखो, हाउसहोल्ड ने फर्म्स को दिया सर्विसेज, फर्म्स ने हाउसहोल्ड को दिया पेमेंट. रिवर्स डायरेक्शन. दूसरी बात, हाउसहोल्ड ने फर्म्स को सर्विसेज दी, ये रियल फ्लो है. ये क्या है? क्योंकि ये नॉन मोनेटाइज्ड है ना, इसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर नहीं कर सकते. फर्म सेक्टर ने उसके बदले उसको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स. ये कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो. दिस इज अ मनी फ्लो इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, यहां पे फैक्टर सर्विसेज है ना, अभी तक फैक्टर सर्विसेज ना, उसके बाद देखो. ये मनी फ्लो समझ, मतलब इससे ये कंसेप्ट समझ में आया, टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग मनी फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बेटे एक एग्जाम्पल, ये टक शॉप, ये आप क्या दे रहे हो? नोट दे रहे हो. वो क्या दे रहे हैं? पेन दे रहे हैं. फ्लो ऑपोजिट रियल एंड मनी. टू एवरी रियल फ्लो देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, उसके बाद भी देखो, कहानी खत्म थोड़ी ना होगी. हाउसहोल्ड सेक्टर ने क्या किया? ये पैसे किसको दे दिए? फर्म सेक्टर को. नाउ दिस इज मनी फ्लो और रियल फ्लो? पैसे है ना, मनी फ्लो. फर्म सेक्टर ने क्या किया उसके बदले? गुड्स एंड सर्विसेज. अगेन, टू एवरी मनी फ्लो देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग रियल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो मनी फ्लो तो सिंपली वो फ्लो है विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. और यहां पे रियल फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.